हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। सो रियान का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो बस आई वॉज अबाउट टू लीव, तो उसको बस स्टॉप में नीचे ही लेने जाना होता है। तो सुबह मैं ही ड्रॉप करके आया था, और सुबह मैंने अगेन सुबह आज बहुत ठंड थी। मतलब जब मैं उसको ड्रॉप करने गया बस में, तो मैंने टी शर्ट के ऊपर स्वेट शर्ट पहनी थी मोटी सी। और ओके, लाइक अदरवाइज जैसे मैं फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा मॉर्निंग में टेम्परेचर वॉज लिटिल बिट हाई, बट आज तो टेम्परेचर और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। बट अगेन वही दोपहर हो गई है, तो मैं बस अभी लेने जा रहा हूँ, हाफ स्लीव टी शर्ट में आ गया हूँ। तो अभी धूप अच्छी है खैर बाहर, तो मैंने तो अभी थोड़ी वैसे दोपहर के टाइम समर्स डिक्लेयर कर दी है, तो स्वेट शर्ट वगैरह सब उतर गई है और हाफ स्लीव टी शर्ट में आ गया हूँ। बस अभी जाऊँगा लेने, और फिर लेने रियान को लेके आता हूँ। उसका आज ना एक्चुअली जीके का एग्जाम था, और एक पोपट क्या हो गया कि अदरवाइज मुझे लग रहा था 13 को उसका कंप्यूटर्स का एग्जाम है, कंप्यूटर्स का है, तो तब से उसके खैर कंप्यूटर्स की तैयारी हो गई थी। बट कल जब मैंने उसको शाम को 7:30 उसको मैं पढ़ाने बैठाया, तो तब मैंने देखा कि तब मैंने कहा एक बार डेट शीट चेक कर लेता हूँ फिर भी। और रियान मुझे इनफैक्ट बोल भी रहा था कि जीके का एग्जाम है शायद मंडे को आज, तो बट मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में कंप्यूटर्स दिमाग था, तो मैंने फिर भी उसका ऐसे डेट शीट चेक किया और सच में कंप्यूटर जीके ही निकला। तो वो तो खैर चलो था, जीके में ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। फिर मैंने उसको 7:15 से आई थिंक जीके पढ़ाना शुरू किया, बट वो फिर भी 11:15 हो गए थे। तो आज उसका वो एग्ज़ाम था जीके का, तो अभी उसे पूछूंगा भी जीके का एग्ज़ाम उसका कैसा हुआ है। तो आई होप अच्छा ही हुआ होगा, खैर ईजी सा एग्ज़ाम था। बट उसके आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स अब ऑलमोस्ट अब शुरू हो रहे हैं, अभी तो जीके है, फिर आने वाले टाइम में कंप्यूटर्स है, वो खैर 24th को है, बट 28 से उसके रेगुलर एग्जाम्स हैं, जो कि उसको अभी प्रिपरेशन करना है काफ़ी कुछ। तो अभी उसको जी ऊपर लेके आता हूँ, फिर आई थिंक उसको पढ़ना है, तो खाना खिला के फिर पढ़ाने के लिए थोड़ा मनाना पड़ेगा। दोपहर के टाइम वो जल्दी से पढ़ने बैठता नहीं है, तो अभी उसको पढ़ाने बिठाऊँगा, तो देखते हैं। अभी उसको बस जाता हूँ लेने। फाइनली गाइज मैं पहुँच गया हूँ बस स्टॉप रियान के, नीचे ही है बस, सोसाइटी एकदम भारी है, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे स्कूल बसेस आई, बहुत सारे बच्चे इस टाइम आते हैं, अच्छा लगता है, बच्चे सब स्कूल से आ रहे हैं। तो बस मैं रियान के स्कूल के बस का ही वेट कर रहा हूँ अभी, तो बस अभी आती है बस। आज मुझे देख के वो खुश हो जाएगा, अदरवाइज़ जनरली मैं आता नहीं उसको लेने, तो बट बोलते रहता कई बार कि पापा आया करो। सुबह तो हमेशा मैं ही जाता हूँ उसे बस स्टॉप में ड्रॉप करने, जनरली उसकी दादी आती हैं, और तो आज मैं आया हूँ तो आई होप खुश हो जाना चाहिए उसके लिए, एक थोड़ा सरप्राइज़ होगा कि पापा कैसे आ गए आज। भाई ये सब बसेज आ रही हैं, तो पीछे से इसकी स्कूल की बसेज आ रही हैं, डीडी गोइंग का की शायद। ये बस आ गई रियान की, रियान इसको कर रहा है अभी, तो देखो वो बात क्या आ गया, ये बाय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को। हेलो, कैसा था आपका एग्जाम? जीके का हो गया? दबाता था? नहीं, एक गलत कर दिया। एक गलत कर दिया, ये क्या है? ये पहले का है? आज नहीं किया। मुझे लगता है 24 out of 25 आएगा। अच्छा, तो आप सारा आता था आपको? पापा मैं जैसे मैंने बोला था ना कि आएगा, वो हेल्प बॉक्स आया था। अब क्या प्लान है? क्या करें? चलो, तो फाइनली रियान आ गया स्कूल से, अब मैं उसको घर लेके जा रहा हूँ, और फिर अभी घर जाके खाना खाएगा, फिर पढ़ाई करने बैठ जाएगा एकदम ही, कह रहा था। मैं के तो फाइनली घर आ गए थे उस दिन और रियान स्कूल से, और रियान ने कपड़े भी चेंज कर लिए, देखो उसने स्पाइडरमैन की ड्रेस दिख पहनी है, इसकी ये फेवरेट ड्रेस है। और अब मैं इसको रियान को कह रहा हूँ कि पढ़ने बैठते हैं, तो अब इसको याद आया, अभी तक ये टीवी देख रहा था आके, और टीवी देख रहा था, मैंने बोला पढ़ाई का नाम, तो कह रहा मैं साबिर के घर जा रहा हूँ। चल रियान, क्यों बेटे कब पढ़ेगा? क्या है ये? 7 o'clock? फिर 7 o'clock आके तू कहेगा मेरे को क्रिकेट खेलना है पहले? हम क्रिकेट खेलते, तो क्रिकेट 7 o'clock से पहले हो जाएगा? है? 7
टीम क्रिकेट सर हो जाएगा। हाँ, सेवन फिफ्टीन में पड़ेगा। तो रियान ने अभी डेट दिया, टाइम दिया 7:15 का। ये एक देखते हैं 7:15 को ये कितना फॉलो करता है, और उससे पहले मैं वैसे लगा रहा हूँ जल्दी भी आ सकता हूँ। जल्दी भी आ सकता है तो उससे पहले फिर आगे आती पढ़ लेगा, फिर पहले क्रिकेट क्रिकेट उससे जल्दी आ जाएगा तो क्रिकेट खेल के फिर उससे पहले पढ़ने बैठ जाएगा। तो अभी जू जा किसके साथ? मीना दीदी के साथ। पहले फोन करो। तो अभी देखते हैं रियान कब पढ़ने बैठता है। मेरे को इसकी थोड़ी पढ़ाई की टेंशन है क्योंकि इसको अभी एग्जाम्स के लिए आता कुछ भी नहीं है, जो इसके फाइनल एग्जाम्स हैं। तो क्यों आता है? आता है क्या? आता है हिंदी 1+1 थर्ड क्लास में इसको 1+1 आया। नहीं 1,155 वो भी आता है। तो देखते हैं, जीरो प्लस जीरो आता है, जीरो प्लस जीरो आता है, जीरो जीरो कहते हैं गाइस, कमेंट करना। चलो अब ये भी बताना, 1,139+1,1349 तू तो कमेंट कर, जो भी फोर्थ या फिफ्थ क्लास में वो। ये मेरा लंच है, पीना ने मुझे स्प्राउट्स दिए आज। तो कल एक्चुअली हम लोग सनी के घर, सनी भाई के घर जाके रात को काफ़ी हैवी हो गया था डिनर, तो आज थोड़ा लाइट खाना चल रहा है। सुबह से बस फ्रूट्स लिए थे, ब्लैक कॉफ़ी पी, और अब स्प्राउट्स हैं। तो गाइस शाम के 6:30 हो गए हैं, और अभी तक रियान तब से गया हुआ है साविर के घर और आया नहीं है अभी तक। तो अभी आके उसने जो बोला था, प्रॉमिस किया था 7:00 से पढ़ने बैठेगा, तो देखते हैं अभी 7:00। अभी वैसे उम्मीद तो लग नहीं रही क्योंकि अभी तक तो आया ही नहीं, आने के बाद मेरे साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलता है, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करने बैठेंगे। तो फाइनली अभी मीना ने मेरे लिए खाना रेडी कर दिया, 6:30 बेस्ट टाइम है डिनर करने का। तो अभी डिनर में मेरे को उसने यहाँ पे ये दाल चावल दिए हैं, तो बस मैं अब दाल चावल खाऊंगा। और निया भी कहीं गई हुई है, निया भी अभी आने वाली है, तो उसके बाद वो भी डिनर करेगी, और फिर शायद उसने कहीं जाना भी है कह रही थी। तो अभी बस रियान का वेट हो रहा है, रियान आए फाइनली, तो फिर हम लोग बैठे पढ़ने, मैं डिनर कर रहा था इस देर में। सो डिनर डन मेरा, नेहा भी आ गई और नेहा अपना डिनर कर रही है। नेहा बहुत ज़्यादा हाय बहुत ज़्यादा सैलेड पे फोकस रहता है उसका, तो ये सैलेड खा लिया पूरा भर के रही है, नेहा के लिए बना है। तो साथ में वही दाल राइस चल रहा है, सूप भी, ओ माय गॉड सूप भी चल रहा है उसका। तो सूप मैं भी पीता था, बट विंटर्स में अच्छा लगता था, अभी विंटर्स बंद हो गए तो सूप बंद हो गया मेरा साथ में। बस मैं तो अभी दाल राइस खाया, पापड़ खाया, मेरा डिनर डन, एक दो मिनट रियो बस। नया का डिनर शुरू हुआ है, डिनर कर रही है, और रियान अभी तक आया नहीं है, देखते हैं अभी क्या टाइम हो गया, 6:45 हो गए हैं। अब रियान को आई थिंक मुझे लेने जाना पड़ेगा साविर के घर, साथली सोसाइटी में, उसको लेके आता हूँ फटाफट में। गाइस आई एम गोइंग, हे गाइस, अब मैं अपनी डांस क्लास जा रही हूँ, सो डांस क्लास के बाद मिलेंगे। अब एक्चुअली महाशिवरात्रि आ रही है ना, तो उसके लिए मुझे एक गाना प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं स्पेशली एक डांस प्रिपेयर कर रही हूँ। सो मुझे लगता है कि हम हर, मतलब हमारे घर में जब भी शादी होती है तो वी ऑलवेज परफॉर्म, वी ऑलवेज प्रिपेयर सम डांस और समथिंग और दी अदर। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मतलब महादेव की शादी है पार्वती माँ के साथ, तो क्यों नहीं, उनके लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस। सो दैट्स राइट, बाय बाय। तो नेहा जा रही है अपना डांस क्लास के लिए, मैंने 2 मिनट से बोल दिया मेरे को छोड़ दे साविर के घर की सोसाइटी के बाहर, नेक्स्ट सोसाइटी है, तो मैंने इससे लिफ्ट ले लिया, मेरे को बस ये ड्रॉप कर रही है। पैसे दे दियो वैसे? नहीं लिफ्ट है ना ये, तो लिफ्ट फ्री में होती है, लिफ्ट फ्री में होती है, तेरे से तो पैसे लूंगी। तो फिर मेरे को अभी ये छोड़ के फिर अभी तो इसने मुझसे पैसे लिए हैं, साविर के घर जाऊंगा फिर वहां पे रियान को लेके आता हूँ। फाइनली मैं आ गया हूँ गौरव के घर, साविर के घर रियान को लेने, तो बस अब जा रहा हूँ अंदर। ये बैठे दोनों बच्चे, बेटे 7 बजे आपने पढ़ना था, तो 7:00 तो हो गए, हैं यहाँ पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा है रियान, तूने क्या बोला था?
और यहाँ क्या बोला था? हम अपने शॉर्ट्स देख रहे हैं। शॉर्ट्स देख रहे हो? सो गाइस हम लोग जा रहे हैं साविर के घर से। ये रहा साविर। साविर बाय बोल दो। बाय गाइस। मेरे पापा। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अब साविर के घर से, गौरव के घर से। ओके गौरव, कल भाई सी यू। कल एक व्लॉग बनाएंगे हम। कल वो एक व्लॉग बनेगा? क्या व्लॉग बनेगा? क्लीन का है? ए बता मत, बता मत, बता मत। क्या व्लॉग बनेगा दादे? कभी चुप भी रहा कर। सरप्राइज है, सरप्राइज। हां सरप्राइज। ओ कल एक साविर का सरप्राइज व्लॉग आने वाला है, सो लेट्स वेट फॉर दैट व्लॉग आल्सो। चलो चलो। ओके बाय। पढ़े सर, तू भी पढ़ लियो। रियान भी पढ़ेगा खेल के। रियान बता दे, मैं अभी पढ़ने निकल गए हम लोग। रियान की सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं रियान क्या सॉन्ग। तो ये हमारा फाइनल मैच चल रहा है। सो अभी आके हम लोग दो गेम खेल चुके हैं। सो एक जिसमें से पहला फर्स्ट गेम रियान जीता, सेकंड गेम मैं जीता हूँ। तो ये हमारा, हम लोग हमेशा डेली यहीं पे तीन मैचेस खेलते हैं। तो थर्ड हमारा जो होता है फोर ओवर्स का होता है, अदरवाइज जो फर्स्ट टू मैचेस होते हैं वो टू ओवर्स के होते हैं ईच। तो जिसमें से फर्स्ट रियान जीता था, सेकंड मैं जीता था, थर्ड अब ये गेम चल रहा है जिसमें रियान के थ्री बॉल्स में 10 रन है और फोर ओवर्स का मैच है। जो भी फाइनल में मैं ही जीतूंगा। सो लेट्स सी कौन जीते हैं। रियान और मेरा एक चैलेंज चल रहा है, सो लेट्स सी कौन जीतता है। थ्री बॉल्स में रियान के 10 रन है और पापा ने स्पिन मार दिया। फोर बॉल्स 10 रन। फाइव बॉल्स रियान के 11 रन है। दर्शक बढ़ते जा रहे हैं मैच में, तो नया मैच देखने आ गए। नहीं मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तो सिक्स बॉल में 22 रन, चार छक्के लिए। चलो तो स्टार्टिंग बॉल 37। ओह सिक्स, तो 43 हो गए 20 बॉल्स में। 43 मतलब मुझे चाहिए 16 रन चाहिए फोर बॉल्स में। फोर बॉल में 16 और रियान की टेंशन बढ़ती जा रही है। और ये ओवर सिक्स थ्री बॉल्स में मुझे 10 रन चाहिए। सो रियान फाइनल मैच खेल रहा है मेरे साथ और सिंगल टू बॉल्स में मुझे 9 रन चाहिए। रियान टेंशन में, फोर वन बॉल में 5 चाहिए मुझे। मुझे वन बॉल में 5 रन चाहिए। 6 लगेगा तो मैं मैच जीत जाऊंगा। अगर चक्कर लगेगा तो रियान सीधे हो गया। रियान चाह रहा टाई हो जाए ताकि सुपर ओवर हो जाए। जीत गया रियान। रियान जीत गया। तो रियान रियान जीत गया फाइनल मैच। बहुत खुश है रियान और इस टाइम इतना एक्साइटेड है। उसने बहुत अच्छा फाइट दिया, मैंने अच्छा फाइट किया, बट रियान फाइनली मैच जीत गया। तो बड़ा ही खुश घूम रहा है अब। शुक्र है वो अच्छा पढ़ेगा कम से कम। तो मैं यही चाहता था रियान अच्छा से पढ़े मेरे साथ। तो फाइनली मैच जीत गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब देखते हैं कितनी जल्दी वो पढ़ने बैठता है। फाइनली गाइस रियान की भी पढ़ाई खत्म हो गई। तो रियान फाइनली शुक्र है पढ़ लिया था और अब वो सो भी चुका है। तो टाइम भी काफ़ी हो गया, 12 बज के रात के।
और मैं भी थक गया बस। उसके पहले खेला, क्रिकेट खेला, फिर साबिर के घर गया उसको लेने के लिए, और फिर उसको पढ़ाया भी। तो फाइनली अदरवाइज तो पूरा रिलैक्सिंग डे था। सुबह लेट उठा मैं उसको, उठ के उसके बाद दोपहर को बस एक बार रियान को स्कूल बस से लेने गया था बाहर, एक बार गौरव साबिर के घर गया था रियान को लेने के लिए। फिर रियान के साथ क्रिकेट खेले, क्रिकेट तो खैर वो रोज ही खेलते हैं, वो बिना खेले मेरे को छोड़ता नहीं है। तो उसके बाद फाइनली उसको पढ़ाया और अब बस मैं भी थक गया, अब बस अब सोने जा रहा हूँ, 12 बज गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको व्लॉग आज का मज़ा आया होगा। बट कल का जो हमारा व्लॉग था सन्नी के घर जब हम गए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट्स की काफ़ी सारी रिलीज़ भी किए हैं शॉर्ट्स, जो हमारे चैनल पे आपको दिखेंगे। तो उसके बाद आज का दिन बहुत ही रिलैक्सिंग, अब कल से दोबारा कुछ काम है मेरे को। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना उसको, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना उसको। सो बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस।